वेलकम टू माई YouTube चैनल जैम व्लॉग्स। और आज हम चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जो कि चित्तौड़गढ़ टाउन में लोकेटेड है, और इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया। तो अभी मैं फोर्ट के बाहर खड़ा हुआ और ये मेरे सामने वो पुराने टाइम का फाउंटेन है, जो कि ऑब्वियसली ड्राई है। और उसके बाद में कुछ ही देर में हमारी एंट्री होने वाली है। और जैसे कि बिना वर्ल्ड की तरफ से ये टूर अरेंज है, तो सब जो एंट्री फीस या फिर एंट्री टिकट्स का है, वो सब बिना वर्ल्ड वाले देख रहे हैं। तो अभी कुछ समय हम ऊपर जाएंगे। ये जो फोर्ट है, ये जिस भी जो हिल पे है, वो हिल इज़ अराउंड 180 मीटर्स हाई। और ये जो एरिया पे है, वो एरिया इज़ अराउंड 690 एकर्स ऑफ एरिया जहाँ पे ये फोर्ट बना हुआ है। तो काफ़ी बड़ा फोर्ट है ये, और बड़ा फोर्ट है तो ऑब्वियसली उसके अंदर काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स रहेंगे। जैसे अराउंड 65 हिस्टोरिक स्ट्रक्चर्स है, उसमें फोर पैलेसेस है, 19 लार्ज टेंपल्स है, 20 लार्ज वाटर बॉडीज है, फोर मेमोरियल्स है और कुछ विक्ट्री टावर्स है, विज स्तंभ उसको कहा जाता है। और जो जगह जहाँ पे जौहर हुआ था, वो जगह भी है उधर। और ये दोनों जगह के बारे में हमारे साथ जो गाइड थे, वो हमको डिटेल में बता रहे थे। तो वो ऑडियो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिए है विद दी वीडियोस, जैसे कि विजय स्तंभ हो गया या फिर जौहर की जगह हो गया, तो आप वो देख सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा फोर्ट है, एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के यहाँ पे जो भी अट्रैक्शन है, वो हमने 5-6 ही कवर किए हैं एंड उसके बाद में वी लेफ्ट। बट अगर आप चाहे तो और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। तो बोलते हैं टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ। 15th सेंचुरी में इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट के जो राजा थे, महाराणा कुंभा, उन्होंने मालवा और गुजरात की सेनाओं को हराया था, और उस विजय के उपलक्ष में इसको बनाया, इसलिए इसको बोलते हैं विजय स्तंभ। 37 मीटर ये टावर ऊंचा है, 9 मंजिल का टावर है, और ऊपर तक जाने के लिए टावर में 157 सीढ़ियाँ बनी हुई है, और सभी जो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं, ये टावर उनको समर्पित है। जब बना था तो 90 लाख रुपए इसको बनने में लगे, और 5,000 लोगों ने 10 साल तक काम किया, तब जाके टावर कंप्लीट हुआ। अभी तो सिंपल सा एक गार्डन है, लेकिन पहले ये प्लेस पे एक गहरा कुंड था, कुंड होता है ना, खड्डा जैसा। इस पूरे कुंड के अंदर लकड़ियाँ डालते थे, फिर अंदर घी और तेल डालते थे, उससे आग बहुत तेज होती थी। फिर सब लेडीज, वो मंदिर दिखता है ना टूटा हुआ, वहाँ लेडीज पूजा प्रार्थना करके मंदिर के बाहर हैंडमार्क बनाती थी, अपने हाथ को मेहंदी में कलर में कर ऐसे हाथ के निशान बनाती थी। फिर सब लेडीज, ये एक प्लेटफॉर्म था जहाँ से आग में कूदती थी। और आज भी ये गार्डन एरिया जो है, यहाँ पे जब आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करते हैं, तो जमीन में से मिट्टी के साथ साथ राख निकलती, राख होती ना हड्डियाँ, सोने चांदी के गहने हैं उनकी हड्डियाँ, स्केलेटिन्स, बोन्स, वो आज भी ये प्लेस से निकलती है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी, रिलेटेड के साथ आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।